ये की अच्छा फोन पान भी कुछ का देखो फाइनली पहुंच ही चुके हैं अपनी मार्केट चोपता में हंस खेल के हम अपनी मार्केट में पहुंच चुके हैं। देखो इसको अभी भी हंसी आ रही है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक नई ब्लॉग में। तो शाम की बज रही अभी 4:30 से ऊपर ही हो गया और जैसे कि आप देख रहे हो धूप तो जा ही चुकी है, मतलब थोड़ी थोड़ी धूप है। तो अभी हम धूप का आनंद लेने के लिए छत में आए थे क्योंकि आजकल है सर्दियों का टाइम, तो आपको तो पता ही होगा धूप कितनी ज़रूरी हो या ना हो, लेकिन आपको तो पता ही होगा धूप में जाना है तो जाना है। आजकल का सुकून बस धूप ही है भाई। तो अभी हम धूप सेकने ही आए थे छत में, तो खाना वाना तो हमारा हो ही गया है दिन को, अभी अभी हुआ। तो मैंने कहा सीधे छत में चले जाते, और मैंने इसलिए ब्लॉग बनाया। वैसे मैंने सुबह से आज ब्लॉगिंग नहीं करी है, तो मेरे ब्लॉग बनाने का एक उद्देश्य ये था कि हे गाइस, तो आपको मुझ में कुछ चेंज दिखाई दे रहा होगा। वो चेंज ये है कि आज मैंने बाल सीधे करवाए हैं, दिख रहे होंगे वैसे मेरे बाल कैसे थे, मैगी की तरह। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वाले बाल मुझ में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं या वो कर्ली वाले बाल। एक बात तो है, मैं आज खुद को ना इतनी बार इतने फ़ोटो इतनी वीडियो और शीशे में बार बार देख रही हूँ क्योंकि मैंने अपने बाल कभी, मेरे बाल सीधे थे ही नहीं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैगी टाइप के थे। तो उस बाल से आज मुझे राहत मिली, उन बालों से। तो आज मैंने ये वाले करवाए, तो मैं फूले नहीं समा रही हूँ ऐसे समझ लो। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ ताकि मुझे भी याद रहे आने वाले टाइम पे कि एक दिन था जब मैंने भी बाल सीधे करवाए थे। बाद की तो पता नहीं, लेकिन अभी मेरे पास उतना वो नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ अपनी मतलब अपने फैशन पे ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है अभी उतना, समझ रही हो ना। तो वैसे ही कराया मैंने, तो आप लोग ज़रूर बताना ये ज़्यादा अच्छे लग रहे थे या वो दूसरे वाले। अभी अभी यहाँ पे एक ख़तरनाक वाला हादसा हुआ, और वो हादसा ये हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ, हाँ लोगों के साथ हुआ। तो मतलब बंदर ना सारे कितने 4 या 5 पैकेट कुरकुरे थे, चिप्स थे, जो भी थे वो लेके आया और वहाँ पे छोड़े, और हम भी ताक में कतार में। अंजू तो सो रहा थी बेटा, हम मैंने इसको बोला कि वहाँ पे वही, तो हमने सोचा, लेकिन वो चला गया, उसने पैकेट यहीं पे छोड़ दिया। चलो आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस वो रहा, वो देखो सामने भी पड़ा, बंदर तो नहीं है इधर उधर ना, एक बार हम भी चेक करते हैं। वही तो, बाप रे, अरे ये किसके साथ हुआ होगा इतना खतरनाक वाला। OMG, ये देखो 3 खाए उसने एक के साथ, लोगों के शौक से ये देखो, अरे अच्छा नहीं हुआ वो भी। 10 रुपये के, मतलब उसने आज दुकानदार को 30 रुपये का घाटा करवा दिया, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। वही तो, ये देखो कुछ यहाँ पे भी, और छोड़ के क्या, हमने सोचा एक बचा होगा तो हम दोनों के लिए हो जाता, लेकिन हाँ वो हो गया। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक नई ब्लॉग में। तो सुबह की दिन की बज रही है अभी 12, और जैसे कि आप देख रहे हो आज हम कॉलेज नहीं गए हैं, तो आज हम कॉलेज इसलिए नहीं गए, और आप देख रहे होंगे हम रेडी हुए हैं। तो अभी हम जाने वाले हैं आज काफ़ी टाइम बाद घर, काफ़ी टाइम तो क्या ही होना, अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ है मुझे तो आज मैं जाने वाली हूँ घर। अभी तो छुट्टियाँ पड़ी हैं नहीं, और वैसे छुट्टियों की डेट 7 को थी लेकिन अब आगे चली गई है, अब ना मतलब 14 से पड़ेंगी छुट्टियाँ। बट हमने सोचा कि मैं तो कॉलेज तो जाती हूँ नहीं, तो मैंने सोचा यहाँ रह के भी क्या ही करना, तो अभी मैंने कहा कि चलो एक राउंड घर जाया जाए। और सबसे बड़ी बात, मैंने आज अपनी मम्मी को सुबह से कॉल नहीं करी है, तो ना ही मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैं घर आ रही हूँ। तो आज मम्मी का रिएक्शन भी देखेंगे, बिना बताई घर जाना, मतलब मेरे भाई ने तो मुझे पूछा था कि कब आओ, बट मैंने उसको अभी तक कुछ नहीं बताया कि मुझे, मतलब मैंने कहा कुछ टाइम बाद घर आऊँगी, और मम्मी से तो आज मेरी बिल्कुल भी बात नहीं हुई। तो घर जाके घर वालों को मिलेगा बहुत ही, मतलब मुझे देख के सरप्राइज हो जाएंगे वो भी, कि अचानक से पहले तो बोल रही थी मैं घर नहीं आ रही, तो ये भी देखेंगे। और अभी तो गाड़ी आई है नहीं, वो 12 या 2, शायद 2 बजे या 1 बजे जाए, तो अभी तो 12 ही बज रही है, तो 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। और आज मैं ही नहीं जा रही हूँ, हमारे साथ चोपता की सारी टीम जा रही है, ये सब हम सारे चोपता वाले एक ही साथ जा रहे हैं क्योंकि एक ही गाड़ी जाती है वहाँ तक, तो RPG से होके कोई नहीं जाता है। तो सबका दिमाग ख़राब हो रहा है कि अभी तैयार हो गए और पता नहीं कब बुलाएंगे। गाड़ी तो हमको मिल ही गई है, वो भी काफ़ी टाइम वेट करने के बाद, पूरा 1 घंटे से पहले ही आ गई थी, तो हम
हम चारों की सीट बीच वाली थी, हमने पहले सुबह में ही बोल दिया था, तो हमको फाइनली आज बीच वाली मिली है, वो भी बड़ी मुश्किल से, वरना हम हर रोज़ ना जब से मतलब जब से आए हैं सेकंड ईयर में तो हमारी सीट हमेशा पीछे थी, कभी इस मतलब ये नसीब ही नहीं होता था। आज काफ़ी टाइम बाद और मुझे साथ में मिली है खिड़की, तो पूरे हमको यहाँ पे 2 घंटे हो गए तब से अब चलने लगे, वो भी रुक गई अचानक से, जैसे ही मैंने सोचा कैमरा खोल दो और यहाँ पे ये क्या हो गया। तो ये गाइस आज आने वाला है गाड़ी में बहुत ही ज्यादा वाला मजा, क्या ही बोले, मतलब उस टाइम से हमने इतनी मस्ती कर ली आज तो सच में, हम चारों चौपाई वाले और एकदम क्या बोले हर्ष क्या बोलते उसको क्या बोलते जिसको भी जिस पे हम हंसे जा रहे वो कोई भी हो सकता है। मुझे लगता है आज गाड़ी में डांस होने वाला है जबरदस्त वाला। ये क्या बोल दिया आपने? तो यहाँ पे बहुत सारे उल्टे जवाब भी मिल रहे हैं, हाँ इनको इग्नोर किया जाए। तो तब तक आप लोग भी नजारे का आनंद उठाइए भाई। तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरी महबूबा कहता है पल पल उतनी जैसी मैं। तो आज गाड़ी में बैठ के हमको ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, पता कैसी वाली, बारात में जाने वाली फीलिंग आ रही, सच में ऐसे लग रहा, लग नहीं रहा हम घर जा रहे होंगे, ऐसे लग रहा है जैसे हम बारात में जा रहे होंगे आज, और सच में बहुत ही ज्यादा मस्ती कर ली यार, पता नहीं एकदम एक्साइटेड है भाई घर जाने के लिए। तो हमने निर्मित किया, क्या बोल रही हो जी, निर्मित किया है, ओहो रूप की रानी मेरी सानी चली थे मोटर चली सरा। तो गाइस ये क्या बोलते हैं मैंने, तो हम फाइनली पहुंच ही चुके हैं अपने मार्केट चोपता में, हंस खेल के हम अपने मार्केट में पहुंच चुके हैं। देखो इसको अभी भी हंसी आ रही है। तो आज हमने बहुत ही ज़्यादा मस्ती करी है, अच्छा उसने किराया दे दिया, ड्राइवर भी परेशान कर दिए। तो आज हमको ये चोपता ना बदला बदला नज़र आ रहा है, वैसे ये रास्ता तो बस आधे घंटे 50 मिनट ही लगे होंगे हमको, आधा घंटा नहीं 50 मिनट। तो पहुंच गए हैं और अब थोड़ा सामान रखते हैं घर के लिए, उसके बाद चलते हैं घर से घर। तो हमारा चोपता बदला बदला लग रहा है, तुमको सखी 2 दिन में कैसे लग रहा है, बदला बदला लग रहा ना, सिर्फ तुमको भी लगा होगा। तो हमारी चौथी जो दोस्त थी वो तो चले गई है अपने घर, और ये जाएंगे इधर और मैं जाऊँगी उधर, सामान लेने क्या जाना है। सुमित तो समोसे वाली है, ये सबसे पहले हम आए हैं समोसे लेने, तो देखते हैं यहाँ समोसे के रेट बड़े तो नहीं होंगे, 10 रुपए तो वहाँ 15 ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पता चल रहा है यहाँ वाले भी रेट बढ़ा रहे कल से, देखा यहाँ भी रेट बढ़ने वाले हैं आप कुछ दिनों में। रुको इसने 10 रुपए निकाल दिए बिना पूछे, इससे सीखो भाई कोई, हम खुद देते छान के वाल, तुम छोटा छोटा देना। नहीं यहाँ वैसे बड़े बड़े हैं, ये तो देवा, ये वाली चटनी मेरी फेव, खट्टी मीठी। तो फाइनली पहुंच चुकी हूँ मैं आधे गांव में, बस आदि गांव तो क्या ही बोलना, गांव नीचे ही है, ऊपर तो बस मार्केट ही समझ लो। तो अब थोड़ी सी दूरी पे ही कुछ कदम की दूरी पे ही मेरा घर आ गया है। तो अभी मैंने सोचा थोड़ा यहाँ पे वीडियो बना लूँ। वैसे हमारे रास्ते में भी बहुत ही ज़्यादा बंदर रहते हैं, ऊपर भी इतने सारे बंदर थे, बट खैर मुझे मतलब एशिया वाले बंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, यहाँ वाले उतना छेड़ते नहीं हैं बंदर, बट वहाँ वाले बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो अभी मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना लूँ। तो आज तो मैंने अपनी मम्मी को सच में बताया भी नहीं है, सुबह से मेरी अपनी मम्मी से बात नहीं हुई, भाई से भी बात नहीं हुई, तो उनको तो एकदम सरप्राइज टाइप का कि इसने बताया भी नहीं और सीधे चली आई, तो देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। तो आपको ले चलती हूँ मैं अपने घर की तरफ, पहुँच गए घर पे। माँ प्रणाम फोन नहीं उठाया सुबह से।
खाना भी बन चुका है, फटाफट खाना खा लिया। हां तो अभी लग रही है बट बात क्या मैं भन्ना दिए ने। अच्छा भन्ना को ना दिया ने साइड से खुलूं बात। मां सरप्राइज हो गई ये पे। वहाँ पे तो वीडियो साफ नहीं आई लेकिन फिर भी आवाज़ तो आपने सुनी ली होगी, मतलब जो बोला है मम्मी ने वो तो सुनी लिया होगा, बट वहाँ पे ये साफ नहीं आ रहा था। तो खाना वाना तो मेरा हो ही चुका है और आज मम्मी ने बनाई थी घर की दाल, तुरई और रैस बोलते हैं उसको, या सोयाबीन नहीं शायद अलग बोलते हैं, लेकिन जो भी है घर की दाल थी वो एकदम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। वैसे माँ का हाथ का खाना तो सबको ही टेस्टी लगता है, और मम्मी वैसे तो सच में मेहमान ऐसे थोड़ी आते घर में, मेहमान तो कॉल करके नहीं, मतलब मेहमान उनको बोलते हैं जो बिन बुलाए ही आ जाए या बिन बताए ही आ जाए, तभी तो लगता है कि मेहमान आ गई और पहले ही कॉल पर बात हो चुकी है, तो इसका क्या ही करना। तो खाना वाना मेरा हो ही चुका है बाद का ब्लॉग, तो अब थोड़ा सा आराम करती हूँ, फिर शाम को बनाऊँगी। अभी तक मैं अपने भाई से नहीं ही नहीं आया, तो उससे मैं बिल्कुल भी नहीं मिली, और मेरी उसकी कभी बात नहीं होती, कभी कभी होती है लेकिन मैंने उसको नहीं बताया है, जैसे मम्मी सरप्राइज हुई। देखते हैं वो उसका रिएक्शन क्या होता है। आ ही नहीं रहा यार वो, पता नहीं कब आएगा वो। मैं उसको पीछे से गले लगा रही थी। मैंने कहे मेरा मास मुमन बैठ चुका है, मुमन मार मिली तो क्यों, ये डर गया था, मैं उसको पीछे से गले लगा रही थी ऐसे, और वो तो तक डर गया, वो तब तक डर गया भाई। वो मारने वाला था लेकिन मैं इसको गले लगा रही थी भाई पीछे से, तब तक उसने मुझे देख लिया, उल्टा पड़ गया पासा, सरप्राइज नहीं हुआ, प्रणाम भी नहीं कर रहा। नमस्कार नमस्कार, खुश रहो भाई, तेरे को बिना सब क्या बनने की चोट पची तेरी जमाना बाबी। ये देख मेरे मैंने अपने बाल सीधे करवा। दोस्तों प्लीज मेरी छोटी बहन को सब्सक्राइब लाइक करें।